और एक बड़ी खबर आपको दे दें, मोदी कैबिनेट में पहला बड़ा फैसला हुआ है। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे, जिनमें की टॉयलेट से लेकर एलपीजी गैस कनेक्शन और बिजली भी उपलब्ध होगी। तो ये पहला बड़ा फैसला जिसको हरी झंडी दे दी है मोदी कैबिनेट ने। सुबह से ही चर्चा थी कि जो पीएम आवास योजना है उसमें जो ग्रामीण हिस्सा है वहां पर और आवास बनाए जाएंगे, और इस अब पूरी बात को मंजूरी भी कैबिनेट द्वारा मिल गई है कि 3 करोड़ एक्स्ट्रा घर बनाए जाएंगे और इन घरों में तमाम सुविधाएं होंगी, शौचालयों से लेकर एलपीजी कनेक्शन और बिजली होगी, और इसको ग्रामीण इलाकों में दिया जाएगा। पवन गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, सुबह से ही इसको लेकर चर्चा थी, पहले किसानों पर फैसला और दूसरा ग्रामीणों पर फैसला। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से आपने प्रधानमंत्री को तमाम चुनावी रैलियों में सुना, तो उन्होंने कहा कि उनका जो विकास का जो फॉर्मूला है, विकसित भारत बनाने का जो फॉर्मूला है, वो ज्ञान के फॉर्मूले पर आधारित है, यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। तो आपने सुबह देखा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जब पदभार संभाला तो उसके तुरंत बाद पहला फैसला जो उन्होंने लिया वो था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो जो फाइल थी उस पर साइन करने का, उसको रिलीज करने का आदेश दिया। और उसके बाद में जैसे ही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक होती है तो उसमें फैसला लिया जाता है अब 3 करोड़ अतिरिक्त आवास बनाने का, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आते हैं। 3 करोड़ आवास जो है, जो पिछले 2015-16 में से लेकर अब तक सरकार जो है तकरीबन 4 करोड़ 20 लाख के आसपास जो है अब तक आवास बना चुकी है, उसके अलावा जो है ये 3 करोड़ आवास बनाने का फैसला जो है होंगी। तो कहें तो एक तरह से लगातार सरकार ने पहले ही दिन में 2 बड़े फैसले एक किसानों को समर्पित, बिल्कुल, और दूसरा ग्रामीणों को समर्पित अतिरिक्त आवास जिस पर अब स्पेंड करेगी सरकार। 3 करोड़ नए घर बनेंगे जिनमें तमाम सुविधाएं शौचालय से लेकर एलपीजी और बिजली से जुड़ी होंगी। शुक्रिया अपडेट के लिए पवन।